Hey guys, welcome back again on channel. Humans लाखों वर्षों से पृथ्वी पर वेरिएशन करता रहा है. डेफिनेटली ये कहना कठिन है कि शूज का इन्वेंशन कब किसने और कैसे किया होगा, लेकिन ये पक्का है कि पथरीली जमीन पर चलने में चोट लगने के कारण या सर्दी गर्मी महसूस होने के कारण इंसानों को जब तकलीफ हुई होगी तो उसने पहले या तो पेड़ों की पत्तियां पैरों पर लपेटी होगी या तो एनिमल की स्किन. तो आइए जानने की कोशिश करते हैं शूज के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में. मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे. प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को पैरों में खड़काव पहने बताया गया. ये लकड़ी की बनी होती थी, इससे पैरों की कुछ रक्षा तो हो जाती थी पर ये पूरी तरह से आरामदायक नहीं थी. सबसे पहले शूज के जैसे पहचाने जाने वाले सैंडल्स जो लगभग 7000 या 8000 ईसा पूर्व से भी पहले के हैं, जो सन 1938 में अमेरिका के ओरेगन में फोर्ट्रॉक गुफा में पाए गए थे और दुनिया का सबसे पहला जूता लेदर का जूता था, जो सन 2008 में आर्मेनिया की एक गुफा में पाया गया था. एरिक ट्रिंकोस एक भौतिक मानव वैज्ञानिक है, उन्हें इस बात का सबूत मिला है कि जूतों का उपयोग आज से 40,000 से 26,000 वर्ष पूर्व के बीच से शुरू हुआ था. सबसे पहले जूते के डिजाइन बिल्कुल सिंपल होते थे और पैरों को चट्टानों, मलबे और ठंड से बचने के लिए लेदर के जूते बनाए जाते थे. सन 1800 के आसपास तक जूते लेफ्ट और राइट लेग का डिफरेंस किए बिना बनाए जाते थे. दोनों पैरों के जूते सेम बनाए जाते थे और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी एक समान प्रकार के जूते पहनते थे जिन्हें मोकासिन कहा जाता है. 20वीं सदी के बाद लेदर से बने जूते ज़्यादा कीमती होने लगे और बदलते फैशन के कारण अलग अलग तरह के जूते बनने लगे. 20वीं सदी के बाद रबर, प्लास्टिक और सिंथेटिक फैब्रिक से जूते बनने लगे. पहले वुमन और मैन के लिए सभी जूते समान होते थे. सन 1840 में वुमन के लिए अलग जूते बनाए गए और पहला जूता का पैर क्वीन विक्टोरिया के लिए बनाया गया था. जान अर्नस्ट मेल्टेजिगल सूरनामी नाम के डच ओरिजिन के आविष्कारक थे, जिन्होंने शूज बनाने वाली मशीन बनाई थी जिससे जूते की प्राइस काफ़ी कम हुई. जो शूज करंटली हम यूज़ कर रहे हैं ये 1933 में इंग्लैंड में पॉपुलर हुए थे. आज मार्केट में जूते बनाने वाली काफ़ी सारी कंपनियां अवेलेबल है जो अलग अलग डिज़ाइन, शेप, कलर और टेक्नोलॉजी के साथ उनके शूज लॉन्च करती है, जिनसे हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं. शूज़ के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो स्नीकर्स पहली बार 1916 में अमेरिका में बनाए गए थे और स्नीकर्स को पहले ओरिजिनल फॉर्म से केड्स कहा जाता था. नो प्लेस लाइक होम नाम के जूते हैं जो खोए हुए लोगों को घर का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए इन्वेंट किए गए थे. इसे 3 बार हील्स पर क्लिक करने पर बिल्ट इन GPS एक्टिव हो जाता है. स्नीकर शूज का सबसे बड़ा कलेक्शन अमेरिका के नेवाडा के जॉर्डन गेलर के पास है. उन्होंने मई 2012 तक 2388 अलग अलग स्पोर्ट्स के जूते का कलेक्शन रखा था. दुनिया के सबसे महंगे शूज की कीमत 2.36 करोड़ है. इसे लग्जरी फुटवेयर डिजाइनर जेडा दुबई ने पैसन ज्वेलरी के साथ मिलकर अनवील किया, जिसे प्रेजेंट में दुनिया का सबसे महंगे जूते के रूप में माना जाता है. इसे दुबई में पहली बार बुर्ज अल अरब में दिखाया गया था. तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन की वीडियो में इतना ही. मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले. मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ. तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने.